आज हम बनाएंगे दो कच्चे आलूओं से मज़ेदार नाश्ता। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है और आधा चम्मच ले लिया है ऑयल। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा और ये मैंने एक चम्मच तिली ले ली है और ये मैंने दो हरी मिर्च को बारीक काट के ले लिया है। तो हल्का सा इस सबको फ्राई कर लेंगे हम। अब ये मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, तो इसको भी हल्का सा फ्राई करना है हमें। और साथ में ही डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच नमक, तो हल्का सा अदरक लहसुन को भी हम फ्राई कर लेंगे। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब डालेंगे हम इसमें पानी, तो ये मैंने दो कटोरी पानी ले लिया है। अब हल्का सा हम बॉयल आने देंगे पानी में। ये देखिए हमारे पानी में बॉयल आ गया है। ये मैंने दो आलूओं को ग्रेट करके ले लिया है मोटे वाले ग्रेटर पे, इसको भी डाल देंगे हम इसमें। अच्छे से करेंगे सबको मिक्स और हमें इन्हें ढककर पकाना है ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको दो मिनट के लिए हम ढककर पका लेंगे। तो देखिए दो मिनट हो गए हैं और हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं हमारे आलू। हमें इसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है। अब डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है। तो ये मैंने इसी कटोरी से दो कटोरी पानी डाला था, उसी कटोरी से एक कटोरी सूजी ले ली है। तो दो कटोरी पानी था तो ये एक कटोरी सूजी है। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डाल देंगे और चलाते जाएंगे साथ में। देखिए मैंने सारी सूजी डाल दी है। अब हम इसे पका लेंगे जब तक कि डो के फॉर्म में नहीं आ जाता, जब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल डो की तरह हो गया है। ये सूजी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसे कर लेंगे ठंडा। तो मैंने इसको बड़े बर्तन में निकाल लिया था, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम हाथ पे ऑयल लगा के इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक बॉल्स बना ली है। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है। जितनी हमारी पैन में आ जाएंगी उतनी डाल देंगे हम और इन्हें कर लेंगे फ्राई। अब हल्के हल्के से ऑयल डालकर इसके ऊपर हम इन्हें पलट लेंगे। तो देखिए इनमें नीचे से हल्का सा कलर आ गया है। अच्छे से गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी गोल्डन हो गई हैं। इन्हें निकाल लेंगे अब हम। ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसी तरह से हम जो बाकी बची हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारे दो कच्चे आलूओं का मज़ेदार क्रिस्पी करारा नाश्ता।